नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हमारे साथ है अशोक लेलैंड की एक बिल्कुल नई ऑफरिंग। आज इनने अपनी एक मिनी पैसेंजर बस यहाँ पर पेश करी है। इसका नाम है अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त, जो कि अपने एक्सप्रेस अवतार में हमारे सामने है। गाड़ी दिखने में बिल्कुल अलग है, इसमें आपको 12 पैसेंजर और एक ड्राइवर का स्पेस मिलता है। मैं आपको समझाऊंगा क्या नए फंक्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं। गाड़ी दिखने में बिल्कुल अलग है, एक नया डिज़ाइन है। अगर आप प्राइसिंग की बात की जाए तो 10 से लेके 12 लाख के रेंज में गाड़ी रहती है। और लुक्स में देख रहे हैं आप, बहुत ही प्रीमियम लुक दे दिया गया है। यहाँ पर यह भी लग रहा है कि ये गाड़ी में कुछ आपको प्रोटोटाइप वाला डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन फाइनली गाड़ी जो आती है बड़ा दोस्त, उसकी सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो वो आपको समझाऊंगा। बाकी गाड़ी की लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो गाड़ी की लंबाई कहीं ना कहीं टाटा विंगर के आसपास है। इसकी लंबाई है 5390 मिलीमीटर की। लोगों को देख रहे हैं आप, बिल्कुल घुस घुस में इसमें देखना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी का लुक थोड़ा अलग है तो लोगों को पसंद आ रही है। उसके साथ गाड़ी का अपना व्हील बेस है 2800 मिलीमीटर का, साथ ही गाड़ी की चौड़ाई यहाँ पे रखी गई है 1840 मिलीमीटर का। लेकिन गाड़ी के फ्रंट का लुक आप देखिए, बिल्कुल सही लुक दिया गया है। अभी भी वैसे ही दिखती है बड़े दोस्त की तरह, बस ये कलर अलग सा दे दिया है तो थोड़ा अलग जानने में पड़ रही है। गाड़ी की ऊंचाई है 2175 मिलीमीटर की। तो यहाँ पर गाड़ी का जो ऑल एंड ऑल एक तरीके से मैं कहूँ जो डिज़ाइन है ना, एक मिनी पैसेंजर बस के आसपास आता है। 12 लोग इसमें बैठ के चल सकते हैं। गाड़ी के बाहर से देखिए क्या कुछ दिया गया है, तो आपको एक हैलोजन हेडलैम्प दिया गया है, नॉर्मल से यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलेगा, अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग है जो इनका अपना लोगो मिलता है वो दिखेगा। बाकी गाड़ी के फ्रंट में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन गाड़ी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बनाई गई है। मैं बताऊंगा इंजन की बारी में, तो यहाँ पर इंजन की बात की जाएगी। इसमें आपको 1500 cc का डीजल इंजन मिलता है, जिस तरीके से टाटा भी अपनी एक तरीके से इंट्रा सीरीज़ के अंदर देता V50। लेकिन उस गाड़ी का अगर पैसेंजर में कुछ ऑप्शन आ जाए तो बड़ा सही है। यहाँ पर अगर आप इंजन की बात करेंगे ना, जो 1500 cc का PS6 CNG इंजन मिलता है, ये आपको 58 हॉर्स पावर बना के देता है। और साथ ही टॉर्क की बात की जाए तो 158 NM का टॉर्क, 58 HP है, और उसी के साथ साथ 158 NM का टॉर्क बना के देता है। गाड़ी में अगर आप क्लच की बात करें तो 240 mm का आपको क्लच मिलेगा। एक बार देख लीजिए, बड़ा दोस्त की यहाँ पर ब्रांडिंग है, और कलर ना थोड़ा सा अलग दिखा दिया गया है। इनकी एक पैसेंजर बस भी यहाँ पर दिखाई गई है, वो भी अलग ही लेवल की है। लेकिन गाड़ी के इंटीरियर में आप आएंगे तो यहाँ पर उतना ज़्यादा कुछ नहीं करा इन्हें, सिंपल सोबर रखा गया है, और ड्राइवर कंपार्टमेंट में ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई है। फैब्रिक सीटिंग मिलेगी, लेकिन पीछे देख रहे हैं आप, पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई है, 12 लोगों को बैठाने की पूरी तैयारी की गई है। गाड़ी में कोई सनरूफ और ऐसा कोई प्रीमियम फंक्शन नहीं है, लेकिन ऑल एंड ऑल देखा जाए तो सही सही लग रहा है। गाड़ी में 5 स्पीड का गेयरबॉक्स दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं टाटा की इंट्रा सीरीज के आसपास ही ये कहीं ना कहीं मुझे डिज़ाइन लग रहा है। और दोनों गाड़ियों का ना कंपटीशन तगड़ा है। बस बात यह है कि यहाँ पर ये अपनी जो अपनी बड़ा दोस्त है उसके साथ एक्सप्रेस वर्जन लेके आ गए हैं। अब मैं इस गाड़ी में बैठ के आपको दिखाऊंगा और क्या क्या इसमें मिलता है वो आपको समझाता हूँ। अच्छी बात है कि ये गाड़ी CNG के साथ है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों को कुछ सस्ते में चाहिए। सस्ते का मतलब है कि रनिंग कॉस्ट कम हो और गाड़ी की लाइफ भी ज़्यादा हो। डैशबोर्ड देखेंगे तो सिंपल सादा डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ प्रीमियम नहीं रखा गया है। उसी के साथ यहाँ पर देखेंगे एक हैंडल दिया गया है, और साथ ही साथ देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर लोगों मिलने वाला है, और प्रॉपर सा मतलब ना आगे भी 3 लोगों को आप बैठा के चल सकते हैं, जिससे गाड़ी में टोटल 13 लोग बैठ के जा सकेंगे, जिसमें 12+ ड्राइवर का स्पेस रहने वाला है। इस साइड देखेंगे ड्राइवर साइड कोई भी हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन नहीं है, लेकिन गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो एक सीढ़ी दी गई है जिससे चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। कुछ यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है, ऐसी स्पेसिंग दी गई है। ये सारी गाड़ियाँ ना प्लेन्स के मतलब के लिए ज़्यादा है, पहाड़ों में ऐसी गाड़ियाँ उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है। पहाड़ों के लिए अलग चीज़ रहती है अशोक लेलैंड के पास, और वो हम जानते हैं। गाड़ी में पीछे देख रहा हूँ कि कमानी वाले सस्पेंशन दिए गए, और आगे देखेंगे तो आगे भी कमानी वाले सस्पेंशन दिए गए। गाड़ी अभी बिल्कुल खाली तो नहीं है, 5-6 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा दबी नहीं है। लेटर ऑन फ्रेम जैसी आप देखेंगे तो सस्पेंशन आप देख सकते हैं। इसमें ना ये सब कुछ पैक्ड मिलेगा, मतलब गाड़ी में पूरा AC वाला मज़ा भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही गाड़ी की टॉप स्पीड भी लिमिट की गई है 80 km/h पे। टायर की बात करेंगे तो टायर भी नॉर्मल से है भाई साहब, कोई अलॉय वाला फंक्शन नहीं है, लेकिन साइज सही है, 215/75 R15 का टायर है। पीछे नॉर्मल से टायर है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। और ये कुछ इसमें देखेंगे ना, टोटल पीछे लग रही है 4 कमानियाँ इसमें दी गई है। क्लच को अलग से प्लेस कर दिया गया, यहाँ पर चाबी ले। तो भैया अंदर आ चुके हैं, और ड्राइवर वाली फील अगर आप लेना चाहते हैं तो गाड़ी में बड़ा ऊंचा बैठा हुआ फील करेंगे आप। डैशबोर्ड बड़ा सा दिया गया, AC सिस्टम आप देखेंगे, स्टीरियो भी दिखा रहे हैं, मैनुअल AC है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, और कहीं ना कहीं टाटा की इंट्रा वाली फील आपको पूरी आने वाली है। अशोक और टाटा दोनों बिल्कुल सही गाड़ियाँ बना रही है आजकल ना, अगर आप यहाँ देखेंगे इतना स्पेस है, उसके साथ प्लास्टिक की फिनिश और ये चीज़ें सही यूज़ की गई है, और डैशबोर्ड का साइज़ भी बिल्कुल उतना है जितना एक बस में होना चाहिए। और बैठा हूँ तो इतना हेडरूम शोल्डर रूम आपको फील होगा, खुला खुला महसूस होगा गाड़ी में। प्राइसिंग की बात की जाए तो 10 से लेकर 12 लाख में गाड़ी सही सी है। आपको यहाँ पर अशोक लेलैंड का जो लोगो है वो देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग इसमें
एडजस्टेबल नहीं है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे हैंड ब्रेक दिया गया, जिसमें थोड़ा सा प्ले मैं फील कर रहा हूँ, इतना प्ले है इसमें, लेकिन क्वालिटी ठीक ठीक है इसकी, ज़्यादा फाइन भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा कम भी नहीं कहूँगा। यहाँ पर ऊंची सी सीटिंग है जिसमें बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा ऊंचा बैठेंगे तो हाइट कम उनको फील नहीं होगी, और सीट बेल्ट भी अच्छे से यूज़ की जा सकती है। बच्चे का मतलब है कि 10 से 12 साल का बच्चा, और वहाँ पर एक बड़े के लिए और स्पेस है। लग रूम सही है गाड़ी में, और यहाँ पर कोई भी हेड रेस्ट स्टैंड नहीं है, इस साइड दिया गया हेड रेस्ट। यहाँ पर देखेंगे अलग अलग सी चीज़ें हैं, तो अंदर पीछे बैठ के देखते हैं क्या कुछ वहाँ पर बना के दिया गया है। गाड़ी से उतरने के लिए आपको एक छोटी सी वहाँ पर सीढ़ी दी गई है, उससे आप बड़े आसानी से उतर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे वाइपर सिस्टम भी है, IRVM भी नॉर्मल सा आपको मिलने वाला है, और गाड़ी फिर यही है। मैंने इस गाड़ी को स्पेशली इसलिए कवर करा, एक तो गाड़ी आपको 12 लोगों को बैठने का स्पेस दे देती है, उसके साथ अपनी इंडियन ब्रांड है और लोगों को भी पसंद आ रही है, तो हमने कहा भैया क्यों ना इसको बना लिया जाए। गाड़ी अगर आप पूरे चैसी की बात करें ना, लोड होने के बाद, मतलब फुली लोडेड गाड़ी में, इस गाड़ी का पूरा वजन है 3000 किलो का। बाकी इसमें जो आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है वो BS6 इंजन रहने वाला है। CNG सिलेंडरों की बात की जाए तो वो बिल्कुल छुपाए गए हैं, दोनों तरफ मिलेंगे लेफ्ट और राइट, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको स्लाइडेबल डोर मिलता है, उसका हिंज आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ कट एंड क्रीज है। इसको मैं करना चाहूँ तो देखता हूँ एक हाथ से हो पा रहा नहीं हो पा रहा, एक हाथ से तो हो ही जा रहा है, और ईजिली जिस तरीके से मारुति की ओमनी में हो जाता था वैसे ही फिट हो जाता है, और उसी तरीके से आप पीछे को भी इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी सीढ़ी दी गई है, और लोगों को देख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर। और देखेंगे तो पीछे भाई लोग अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप 12 लोगों को ले जाके आपका मन नहीं भर रहा तो 4-5 लोग यहाँ भी एडजस्ट हो जाएंगे। और पीछे एक AC वेंटिंग ने दिया हुआ है, लाइटिंग का भी कुछ फंक्शन दिया गया है जो पीछे आप देखेंगे इसके लिए, लेकिन फिटमेंट थोड़ा सा नॉर्मल लोकल वाला कर दिया इन लोगों ने। और उसी के साथ पीछे तक देखेंगे तो ऐसा कुछ, पीछे 3 लोग आ जाएंगे, बीच में 3 लोग बैठ जाएंगे, बीच में गैलरी दी गई है, और साथ ही यहाँ पर भाई के साथ एक बंदा और आएगा, तो उस हिसाब से गाड़ी में 12 लोग आ जाएंगे। लेकिन गाड़ी में ना कोई खिड़की नहीं है, तो आपको हर समय यहाँ पर AC यूज़ करना होगा। अब इसके अलग अलग मॉडल आते रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी कोई भी कमर्शियल फ्लीट वाला देखता है कि बार बार AC अगर आप चलाएंगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, AC वाला मॉडल काफ़ी लोग नहीं खरीदना चाहते, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो एक बार और अंदर बैठ के देखते हैं। बाकी दरवाज़ा इस तरीके से बंद होता है, ओपन करेंगे तो देखते हैं अंदर से कैसे ओपन करेंगे। यहाँ से कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा ना पेंट चिपिंग होने लग गई हल्की हल्की, तो ये इनने अपनी प्रोटोटाइप के तौर पर ही पेश की गई है, लेकिन फिर भी इंजन में दम है इनके। बॉडी का डिज़ाइन थोड़ा अलग अलग लगेगा, अंदर बैठेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, 2 सीढ़ियाँ मिलने वाली है। अभी अंदर कितने भाई लोग बैठे, 1, 2, 3, 4, 5 भाई बैठे हैं। यहाँ पर भी कोई बैठ सकता है जिसको थोड़ा जल्दी उतरना है, 3 लोग यहाँ पर आ जाएंगे, 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 1 यहाँ है, 1 उनके पीछे, 1 पीछे भी, भाई साहब 4 लोग, 3 लोग आ सकते हैं, 3-4 लोग आ जाएंगे, 150 लोग नहीं आएंगे, 12 लोग इसमें बैठ सकते हैं। मतलब जिस तरीके से वोल्वो ने अपनी लग्जरी बस दिखाई है, 9600 सीरीज दिखाई है, उसमें केवल 10 लोग आएंगे, और इस गाड़ी में भी 12 लोग आ जाएंगे, तो यही इंडिया का मैं कहूँगा इम्बैलेंस है कि कहीं उतनी बड़ी गाड़ी में 10 लोग बैठ रहे हैं, 12 लोग बैठ रहे हैं। थोड़ा सा फीडबैक भी आ रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा फिट ऑफ फिनिश में तो अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन ना अशोक लेलैंड की टीम से अभी खुल के बात भी नहीं हुई। उनका कहना कहीं कहीं है कि ये प्रोटोटाइप है, कहीं ये फाइनल प्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें इसमें बची है। अभी इस साइड देखिए थोड़ा सा फिट ऑफ फिनिश में काम बाकी है, लेकिन डिज़ाइन दिखा दिया है। अब देख रहे हैं पीछे पीछे सिलिकॉन और ये पार्ट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिखने लग गया। आइए 12 के आसपास, 12-14 तो जाएगी, अभी कर दो बल, देख रहो। तो भैया ये कुछ देखा आपने, पीछे भी 1, 2, 3, 4 लोग बैठी जा रहे हैं, और थोड़ा सा स्पेस हल्का सा पीछे है, यहाँ पर लोग अपने स्पीकर और वो सब चीज़ें भी लगवा सकते हैं। अब उतरने के लिए देखेंगे गैलरी वाला पार्ट है, यहाँ पर एक आर्मरेस्ट वाली चीज़ आप देखेंगे। तो ये कुछ हमने देखी अशोक लेलैंड की, बड़ा दोस्त, और ऊपर एक AC वेंट इन्हें दिया हुआ है, और यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं कि एक यहाँ पर भी अगर ऐसे कुछ पाइपिंग आ जाए जिससे कभी सडनली दरवाज़ा खुलता तो कोई गिन ना पाए। बाकी जैसे जैसे ये कस्टमर्स के बीच आते रहेगी, लोग फीडबैक देते रहेंगे। अभी गाड़ी प्रोटोटाइप के बेस में दिखाई गई है, अभी भी काफ़ी सुधार करना बाकी है, जो कि किसी भी गाड़ी के साथ रहता है। एक यहाँ पर व्हील आर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। अंदर स्पेस अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, थोड़ी स्पेसिंग और चौड़ी रहती तो और आराम से बैठा जा सकता था, क्योंकि गाड़ी में स्पेस की कमी नहीं है। और आगे देखेंगे तो ये डैशबोर्ड दिखाई देता है, और यहाँ पर AC वेंट दिखाया गया है, लेकिन ये पैक्ड है पूरी तरीके से। तो वही है ना, प्रोटोटाइप डिज़ाइन है, ऑटो एक्सपो का पार्ट है, तो लोगों को ज़रूरी है कि पहले एक आइडिया मिल जाए, उसके बाद गाड़ी लेते रहेंगे आराम से, क्योंकि अभी ऑलरेडी टाटा की विंगर है, बड़ा दोस्त पहले से ही है, लेकिन ये थोड़ी उसकी बड़ी बहन की तरह दिखाई गई है, बड़ा भाई की तरह दिखाई गई है, बड़ा दोस्त दिखाया गया है। नाम है इसका बड़ा दोस्त एक्सप्रेस। तो उम्मीद है कि आपको एक वीडियो पसंद आई होगी। क्या कुछ दिया गया मैंने आपको बताया, 58 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया, 158 NM का टॉर्क बना के देता है,
और CNG गाड़ी है। बाकी माइलेज की बात की जाए तो लगभग 22 से लेके 25 का माइलेज आपको इसमें मिल जाएगा 1 kg CNG के अंदर। अब जिस तरीके से CNG भी महंगी हो रही है और यहाँ पर कंपनी का ध्यान LNG के अंदर भी है, साथ ही हाइड्रोजन के अंदर भी है, तो नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहेगी। कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा शानदार है, अच्छा अच्छा काम कर रही है इंडिया के हिसाब से, और मेन बात है कि इंडियन ब्रांड्स है सारी। टाटा की बात कर लीजिए, अशोक की बात कर लीजिए, सब अच्छा काम कर रही है। तो उम्मीद है कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। आपकी तरफ से क्या फीडबैक है इन कंपनीज़ के लिए प्लीज़ बताइएगा, और बाकी सारी गाड़ी आपके लिए लाते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित, मिलता है ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।